अम्ब्रेला सेंग मशीन में आप जो ऐसे थाली का जो तागा डालने का रहता है, जो थाली सेट होता है, देखिए उसमें से टाइट करने का लूज करने का बहुत ही प्रॉब्लम होता है। क्यों बोले तो कभी कभी नीचे का भी लूज आता है, कभी कभी ऊपर का लूज आते रहता है। और इसके अंदर जो अम्ब्रेला सेंग मशीन में बार बार सेटिंग करना पड़ता है, लूज टाइट करते जाना पड़ता है। ऐसे हेलो दोस्तों, इसके मशीन में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे अम्ब्रेला सेंग मशीन के बारे में और हाई स्पीड सेंग मशीन के बारे में, इन दोनों सिलाई मशीन में कौन सा अच्छा होता है, इस वीडियो में वही बताऊंगा। चलिए दोस्तों देखते रहिए। अम्ब्रेला सेंग मशीन में देखिए दोस्तों फुल शटल होता है, और हाई स्पीड सेंग मशीन को जैक हो या झुकी हो उसमें भी फुल शटल ही होता है। और ये शटल और उस शटल में बहुत फर्क होता है, वो देखिए दोस्तों। ये पतला राड वाला शटल होता है, वो वाला बोले तो मोटा राड वाला होता है। और देखिए उसमें जंबो शटल होता है, और जो अम्ब्रेला सेंग मशीन में पतला पतला शटल होता है। अब ये अच्छे क्वालिटी का शटल होता है, वो बैड क्वालिटी का शटल होता है, इसीलिए वो ज्यादा दिन तक चलता है। जो जैक का ज्यादा दिन तक चलता है, जो अम्ब्रेला का शटल है वो लॉन्ग टाइम नहीं चलता। चलिए दोस्तों और देखिए, उसमें जो अम्ब्रेला सेंग मशीन है उसके अंदर साउंड आता है, और जो जैक सेंग मशीन है उसमें साउंड नहीं आता। क्यों नहीं आता बोले तो उसके अंदर पंपिंग होता है। पंपिंग बोले तो उसके अंदर से ऑयल पंपिंग से हर तरफ पार्ट्स के अंदर जो भी मशीन जो जो जहां जहां पे भी मूवमेंट होता है वहां वहां पे ऑयलिंग होता है, अपने आप पे ऑटोमेटिक ऑयलिंग होता है। जो अम्ब्रेला सेंग मशीन में ऑयलिंग नहीं होता है। क्यों बोले तो मैनुअल रहता है, वो खुद से ही डालना पड़ता है। वो 8 दिन के बाद या महीने को एक बार वैसे ही डालते रहते हैं, मगर इसमें डेली ऑयलिंग होते रहता है, इसलिए उसका लाइफ भी ज्यादा होता है। और देखिए दोस्तों, अम्ब्रेला सेंग मशीन में और हाई स्पीड सेंग मशीन में क्या डिफरेंसेस है बोले तो, इसकी जो अम्ब्रेला सेंग मशीन की जो बॉडी होती है, ये तो अम्ब्रेला सेंग मशीन है, ये तो छोटी मशीन है, मगर जो अम्ब्रेला सेंग मशीन की जो उसमें ताकत क्यों कम होता है बोले तो, उसकी बॉडी भी छोटी होती है, उसके सामान में भी ताकत कम रहता है। जो हाई स्पीड में उसमें ताकत ज्यादा रहता है, वो बड़ी सिलाई मशीन है, उसके अंदर जो सामान है उसमें भी थिकनेस जरा बड़ा होता है, बड़े होते हैं सामान भी, और मूवमेंट भी ज्यादा करते हैं। और देखिए दोस्तों, अम्ब्रेला सेंग मशीन और बड़ी सिलाई मशीन में, जो हाई स्पीड सिलाई मशीन में फर्क क्या है बोले तो, उसके अंदर ऑटोमेटिक अंदर से ही मोटर इनबिल्ट होता है। और जो आप जो अम्ब्रेला सेंग मशीन में मोटर लगाना है तो आप अलग से मोटर लगाना पड़ता है। इसमें मोटर इनबिल्ट अंदर ही होता है, मोटर नहीं होता है उसके अंदर, रिवेटिंग उसके अंदर ही फिक्स होता है, मोटर ही अंदर ही मोटर होता है, मगर इसके अंदर मोटर लगाना पड़ता है, ऐसा डिफरेंसेस होता है। मगर उसमें और इसमें प्राइजेस भी बहुत ही डिफरेंसेस है, बहुत ज्यादा ही नीचे ऊपर है। आप अम्ब्रेला सेंग मशीन लेने जा रहे हैं तो आपको 8.5 या 8-9 हज़ार तक मिल जाएगा, या 10 हज़ार तक भी मिल जाएगा। अच्छी क्वालिटी का है बोले तो 10 हज़ार तक भी मिल जाएगा अम्ब्रेला सेंग मशीन में। और उसमें और एक भी मॉडल आता है, जो 90/40/10 मॉडल के मॉडल आता है, वो देखिए वो भी मिनिमम आपको 10 हज़ार तक मिल जाएगा। 90/40/10 हो या अम्ब्रेला सेंग मशीन TA1 हो, वो भी 9 हज़ार या 10 हज़ार तक मिल जाएगा। मगर जो आपको हाई स्पीड सेलिंग मशीन सिलाई मशीन होती है, जो हाई स्पीड सेलिंग मशीन या सिलाई मशीन होती है, वो देखिए आपको मिनिमम 20 हज़ार के ऊपर ही मिलेगा, आधा से ज़्यादा ही डिफरेंसेस है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मार्केट में ताकतवर भी है, ज़्यादातर मार्केट में वही चल रहा है, उसमें ताकत भी ज़्यादा है। उसमें देखिए और क्या है बोले तो, अम्ब्रेला सेंग मशीन में आप जो ऐसे थाली का जो तागा डालने का रहता है, जो थाली सेट होता है, देखिए उसमें से टाइट करने का लूज करने का बहुत ही प्रॉब्लम होता है। क्यों बोले तो कभी कभी नीचे का भी लूज आता है, कभी कभी ऊपर का लूज आते रहता है। और इसके अंदर जो अम्ब्रेला सेंग मशीन में बार बार सेटिंग करना पड़ता है, लूज टाइट करते जाना पड़ता है, ऐसे उसके अंदर लूज आता है, कभी कभी टाइट करना पड़ता है, ऐसा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। वही हाई स्पीड सेंग मशीन में वो लंबर वाइज रहता है, आप लंबर के ऊपर सेट करें तो साफ C1 आता है, कभी भी आपको C1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होता हाई स्पीड सिलाई मशीन में स्पेशली, ऐसे डिफरेंसेस होते हैं। वैसे तो आप देखिए दोस्तों, हाई स्पीड लेना ही अच्छा होता है, मगर उसका जरा प्राइस ही ज्यादा है। और जो अम्ब्रेला सेंग मशीन है या हाई स्पीड सेंग मशीन, जो हाई स्पीड सेंग मशीन है वो आउट ऑफ कंट्री से आता है, जो अम्ब्रेला सेंग मशीन है वो इंडिया में बनता है। अब ज्यादातर इंडिया में भी बन रहे हैं हाई स्पीड सेंग मशीन, मगर कम बनते हैं मालूम नहीं, बन रहे हैं, स्टार्ट कर दिए स्वयं, मगर कौन सी कंपनी कर रही है मालूम नहीं। चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों।